हेलो दोस्तों, इट्स मी आशुतोष बैक अगेन न्यू वीडियो गाइस। आज मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ कैनन का P70 DST प्रिंटिंग कैलकुलेटर। तो मैंने इसको अमेजन से परचेस किया है, तो लेट्स अनबॉक्स। ठीक है, चलो गाइस, पैकिंग काफ़ी अच्छी है। सो यू कैन सी दिस इज एक्चुअल पैकिंग फ्रॉम कैनन टू वाला डेस्कटॉप प्रिंटिंग कैलकुलेटर। ये कैलकुलेटर है, यहाँ पे कुछ लिखा है लोगों ने, यहाँ पे प्रिंटिंग स्पीड क्या है, डबल चेक, करेंसी कन्वर्जन, टैक्स फंक्शन, लॉक एंड कैलेंडर, टाइम कैलकुलेशन। और इसका ये मॉडल नंबर है P170 DHT है। और बॉक्स की साइड कुछ नहीं है, कुछ इंफॉर्मेशन दी गई अबाउट कैलकुलेटर, इसके साइड इंडिकेशन है क्या क्या इंडिकेट कर रहे हैं। और यहाँ पे काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन की मैंने डिटेल में बताया, और इसके यहाँ पे डायमेंशन पावर सोर्स बताया। बॉक्स के साइड साइड भी कुछ नहीं है, तो इसे खुलते हैं। और गाइस, ये प्रिंटर 12 डिजिट का है। ठीक है, और यहाँ पे और चलिए फिर इसे खोलते हैं। तो बॉक्स के अंदर भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसको रखते हैं साइड में। तो ये उसका, ओह माय गॉड, अभी अमेरिकन भाई जी, तो अमेरिकन वाला सॉकेट है, उसको चेंज करना है इंडिया पोर्ट में। तो उसके लिए अभी अलग केबल लगेगा शायद, मेरे पास ऑलरेडी केबल है, तो उसमें चेक करूँगा। तो यहाँ पे कुछ मैनुअल है, इसके अंदर सब कुछ डिटेल दिए है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं अगर आपको कुछ डाउट आया तो। साइड भी सेम ही है। ठीक है, इसको रखे साइड में। ठीक है, और तो कुछ नहीं, और ये पेपर रोल दिया है, सो यू कैन यूज दिस। इसको यूज़ भी कर सकते हैं, तो यूज रखते हैं, देखेंगे मशीन की यहाँ पे अगेन फैक्ट्री है। तो काफ़ी का ये थोड़ा लाइट है मशीन, और ऊपर ये स्टीकर आई थी, इसको हम निकाल देते हैं। और यहाँ पे भी स्टीकर है, यहाँ पे भी एक स्टीकर है। कुछ इंडिकेट किया है लोगों ने, प्लीज़ रिमूव बिफोर ऑपरेशन। ओके, इसको निकाल देते हैं। और गाइस, इसका जो पावर देने का है, और गाइस ये पावर इसका अमेरिकन है, तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। निकलता है या नहीं निकलता, तो इसका पावर मुझे चेंज करना पड़ेगा, इसको उल्टे लगाना पड़ेगा, तब जाके मशीन अभी तो चालू नहीं हो सकता है, बिकॉज ऑफ पावर सॉकेट। और गाइस, आप देख सकते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और यहाँ पे मॉडल नंबर लिखा है, और यहाँ पे कुछ तो है, हम लोग यहाँ पे रीसेट बटन आई थिंक, गाइस यहाँ पे रीसेट बटन भी है, यहाँ पे रीसेट बटन दिया है वोला पे। और लिथियम बैटरी मशीन, इसका मॉडल नंबर यहाँ पे दिया है, और 120 वोल्ट 60 हर्ट्ज 0.1 एम्पीयर का है, मेड इन चाइना लिखा है सारे प्रोडक्ट। और गाइस, बटन काफ़ी अच्छे हैं इसके। सो गाइस, अभी के लिए इतना ही, मैंने अभी इसको जस्ट अनबॉक्स किया आपके सामने, और आने वाले दिन में इसको टेस्ट करूंगा और इसका रिव्यू आपको जरूर दूंगा, इफ़ यू वांट। सो फुल दिस, तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन अगर आपको इसका रिव्यू चाहते हैं तो। सो गाइस, अगर आपको ये प्रोडक्ट परचेस करना है तो आपने नीचे लिंक दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पर जाके जरूर इसको परचेस कर सकते हैं, इट हेल्प्स माई चैनल। तो सो गाइस, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, मैं ऐसे वीडियो लेके आता रहूँगा। फिर इतने दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।